दोस्तों अगर आप भी पांड्या पंत को बेहतरीन खिलाड़ी मानते हैं तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। दोस्तों उप कप्तान बने हार्दिक पांड्या और पंत के साथ मिलकर पूरी टीम ही बदल दी। अब क्या होगी पांड्या और पंत की नई पलटन, केएल राहुल और कुलदीप के जाने के बाद आपको दिखाएंगे सब कुछ। लेकिन उससे पहले आप सभी को क्या लगता है पांड्या और पंत में बेहतर कप्तानी कौन कर सकता है, नीचे कमेंट करके हमें बताना नहीं भूलिएगा। दोस्तों चंद घंटों में भारत और साउथ अफ्रीकी टीम आमने सामने होने वाली है। दोनों ही टीमें आपस में भिड़ेंगी और ये भिड़ंत होगी 5 मैचों की T20 सीरीज की। आपको बता दें कि इस 5 मैचों की T20 सीरीज का आगाज दिल्ली की जमीन से होगा। अरुण जेटली स्टेडियम में बहुत दिनों से भारतीय टीम ने कदम नहीं रखा था और अब जब कदम रखने जा रहे थे तो चंद घंटों पहले ही दोस्तों कप्तान तो बदले ही, उप कप्तान भी बदल गए। आपको बता दें कि दिल्ली की टीम के कप्तान रहे ऋषभ पंत अब केवल दिल्ली के नहीं बल्कि ऑफिशियल भारतीय टीम के कप्तान हैं। आपने बिल्कुल सही सुना दोस्तों। आपको बता दें कि इंजरी के चलते हमारे दो धुरंधर पूरी T20 सीरीज से बाहर समझे जा रहे हैं और पहले T20 मैच में तो वो नजर ही नहीं आएंगे। यहाँ बात केएल राहुल और कुलदीप यादव की हो रही है। इस बात में कोई शक नहीं कि दोनों खिलाड़ी बहुत महत्वपूर्ण है वर्ल्ड कप को लेकर, लेकिन ये बहुत अनफॉर्चुनेट सिचुएशन है। परंतु फिलहाल कप्तानी की कमान को सौंपा गया है पंत के हाथों में और उप कप्तानी दी गई है हार्दिक पांड्या साहब को। मतलब कि एक खिलाड़ी जिसने सबसे ज्यादा नेट रन रेट इस बार के IPL में मेंटेन रखा टीम का, तो वही दूसरा तो अपनी टीम को जिता कर आ रहा है और दोनों खिलाड़ी साथ में होंगे। जाहिर सी बात है टीम में तो बदलाव होने ही है। खास तौर पर दोस्तों पांड्या एक नई टीम बनाने के मूड में है, ऐसा सूत्रों के हवाले से पता चला है। और दोस्तों आखिरकार खास तौर पर पांड्या टीम में क्या बदलाव करेंगे, चलिए एक एक करके आपको बता ही देते हैं। दोस्तों आपको बता दें कि केएल राहुल तो टीम में नहीं रहे, लेकिन टीम की सलामी जोड़ी का जिम्मा अभी ऋतुराज गायकवाड़ और ईशान किशन के हाथ में आने वाला है। जहां पर दोस्तों केएल राहुल हमें टीम के लिए ओपन करते नजर आ सकते थे, तो वही कप्तान साहब की जगह अब टीम में ईशान किशन ओपन करेंगे ऋतुराज गायकवाड़ के साथ। दोनों खिलाड़ी युवा हैं, शानदार हैं। हालांकि इस बार के IPL में कुछ ज्यादा खास फॉर्म नहीं रही थी इनकी, लेकिन फिर भी दोस्तों यही दोनों टीम की सलामी जोड़ी को संभालते हुए नजर आएंगे। इसके बाद दोस्तों बात कर लेते हैं टीम के मिडल ऑर्डर की। दोस्तों यूं नहीं सोचिएगा कि केएल राहुल के जाने के बाद टीम सूनी सी पड़ जाएगी, बल्कि पांड्या के पास इतने ऑप्शन हैं कि वो टीम में एक से बढ़कर एक बल्लेबाज को शामिल करेंगे। और जब बात लखनऊ की टीम के धाकड़ बल्लेबाज की हो तो दीपक हुड्डा को भला कोई कैसे भूल सकता है। सरप्राइजिंगली दोस्तों खबरें ये आ रही हैं कि दीपक हुड्डा ही वन डाउन की पोजीशन को संभालेंगे और मिडल ऑर्डर को आधार देने के लिए टीम में श्रेयस अय्यर को भी रखा जाएगा। इन दोनों खिलाड़ियों के साथ साथ दोस्तों पंत और पांड्या तो मिडल ऑर्डर की कमान को बढ़ाएंगे ही, साथ ही फिनिशर का रोल अदा करते नजर आएंगे और कोई नहीं बल्कि सबके चहेते दिनेश कार्तिक। दोस्तों कार्तिक का तो बल्ला इस बार कितना बोला हर किसी ने उनका साउंड सुना है और पांड्या ने लोहा मनवा दिया अपने कमबैक से। पंत ने भी ठीक ठाक परफॉर्म किया और अय्यर भी धाकड़ बैट्समैन है, तो वहीं दीपक हुड्डा भी एक शात्र बल्लेबाज बन चुके हैं अब। ऐसे में दोस्तों टीम का टॉप ऑर्डर और मिडिल ऑर्डर बहुत मजबूत नजर आ रहा है। स्पिन गेंदबाजी की बात करें तो माना कि रवि बिश्नोई टीम में शामिल है, लेकिन पंत कोई भी ज्यादा मौके नहीं देना चाहेंगे साउथ अफ्रीका की टीम को और इसीलिए कुलदीप के बाहर जाते ही वो टीम में चहल को ही स्पिन गेंदबाजी के लिए चुनेंगे। दोस्तों ये तो बात थी 8 खिलाड़ियों की, लेकिन अब नजर डालते हैं हमारे तेज गेंदबाजी के डिपार्टमेंट में। 2 खिलाड़ियों का नाम तो पक्का है, भुवनेश्वर कुमार और उमरान मलिक। उमरान की रफ्तार हर किसी को इम्प्रेस कर चुकी है, प्रैक्टिस में उनका दबदबा उनकी जगह टीम में शामिल कर चुका है। तो वहीं भुवनेश्वर कुमार डेथ ओवर स्पेशलिस्ट भी रहेंगे, लेकिन इनको कंपनी देने के लिए अर्शदीप सिंह का डेब्यू कराया जा सकता है। दोस्तों इनका प्रदर्शन भी IPL में काबिले तारीफ था। और दोस्तों केएल राहुल और कुलदीप के बाहर होने के बाद यही होगी पांड्या की खास पलटन। लेकिन आप सभी को क्या लगता है किस खिलाड़ी को खिलाना चाहिए और किसे नहीं, नीचे कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। और अभी सब्सक्राइब कर लीजिए हमारे चैनल को। धन्यवाद।